दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है। साथ ही बेहद अधिक ठंडा भी है। इतना ही नहीं, इस ग्रह पे बेहद तेज हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड तकरीबन 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है। साथ ही यह ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी खोज करने के लिए किसी टेलीस्कोप की सहायता नहीं ली गई, बल्कि इसे एक कागज और कलम की सहायता से खोजा गया। तो दोस्तों, वो ग्रह कोई और नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट नेपच्यून है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप लोगों से छोटी सी विनती है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून की। हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा और सूर्य से आठवें स्थान पर आने वाला एक गैस जायंट। दोस्तों, वैसे इसे एक गैस जायंट ना कहकर आइस जायंट कहें तो गलत नहीं होगा। इसे आइस जायंट क्यों कहते हैं, यह हम आगे वीडियो में जानेंगे। वैसे तो सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट प्लूटो है, तो हम नेपच्यून को आखिरी प्लेनेट क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट हुआ करता था और नौवां ग्रह भी, मगर अब इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है और इसे ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी पर रख दिया है। और अब नेपच्यून ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है। नेपच्यून एक नीला ग्रह है जो ब्रह्मांड में किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर छुपा रहता है। यह सूर्य से बेहद दूर है। नेपच्यून तकरीबन 4.5 बिलियन किलोमीटर दूरी से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह सूर्य से बेहद दूर होने के कारण ही नेपच्यून की सरफेस तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 घंटों का समय ले लेता है, और धरती के मुकाबले नेपच्यून पर सूर्य का प्रकाश 900 गुना तक कम पहुंचता है। शायद इसी वजह से नेपच्यून इतना अधिक ठंडा है। दोस्तों, नेपच्यून हमारी धरती से तकरीबन 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों, नेपच्यून का रेडियस 24,622 किलोमीटर है, जो हमारी धरती से 4 गुना अधिक चौड़ा है, और इसमें हमारी धरती के जैसे 57 ग्रह समा सकते हैं। और नेपच्यून की ग्रेविटी हमारी धरती के मुकाबले ज्यादा भी नहीं है, हमारी धरती के मुकाबले तकरीबन 1.4 गुना अधिक ही है। दोस्तों, नेपच्यून एक नीला ग्रह है। इसके नीले होने का मुख्य कारण इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा बेहद अधिक होना है। साथ ही इसकी सरफेस पर थोड़ी बहुत मात्रा में मीथेन भी पाया जाता है। मीथेन सूर्य से आने वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और नीली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। शायद इसी वजह से नेपच्यून हमें नीला दिखाई देता है। दोस्तों, नेपच्यून के वायुमंडल में बेहद तेज हवाएं भी चलती हैं जिनकी स्पीड तकरीबन 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है। इन हवाओं को आप ग्रेट डार्क स्पॉट में देख सकते हैं। जिस प्रकार जुपिटर की सतह पर ग्रेट रेड स्पॉट है, ठीक उसी प्रकार नेपच्यून की सतह पर ग्रेट डार्क स्पॉट भी बनता है। परंतु ये डार्क स्पॉट कभी बनता है तो कभी ये खत्म हो जाते हैं, जो बेहद तेज हवाओं का एक बवंडर है। यह इतना विशाल है कि इसमें हमारी धरती भी आसानी से समा सकती है। दोस्तों, नेपच्यून सूर्य से बेहद दूर है, इसीलिए इसे सूर्य की परिक्रमा करने में काफी लंबा समय लग जाता है। नेपच्यून तकरीबन 12,146 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करता है, और इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 60,190 पृथ्वी दिनों का वक्त लग जाता है। अगर इसे वर्षों में बदलें तो ये होता है तकरीबन 165 पृथ्वी वर्ष, यानी कि धरती के 165 वर्षों के बराबर नेपच्यून का एक ही वर्ष होता है। दोस्तों, नेपच्यून अपनी धुरी पर 28 डिग्री तक झुका हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर सीजन भी पाए जाते हैं, मगर ये सीजन बेहद लंबे होते हैं, तकरीबन 40 साल का एक सीजन। दोस्तों, अब थोड़ा नेपच्यून के टेम्परेचर की बात भी कर लेते हैं। वैसे तो नेपच्यून सूर्य से बेहद दूर है, जहां तक सूर्य की रोशनी बेहद कम पहुंचती है। शायद इसी कारण नेपच्यून इतना अधिक ठंडा होने की वजह से इसमें मौजूद पानी जम जाता है। शायद इसी वजह से नेपच्यून को एक आइस जायंट भी कहा जाता है। नेपच्यून का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, मगर नेपच्यून के अंदर का टेम्परेचर इतना कम नहीं है। जैसे जैसे हम नेपच्यून के अंदर जाएं,
तो वहाँ का टेम्परेचर और दबाव बढ़ता जाता है। और नेपच्यून के कोर तक पहुँचने में ये टेम्परेचर तो 5126 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई नेपच्यून की बात, अब थोड़ा इसके चांदों की बात भी कर लेते हैं। दोस्तों, नेपच्यून के पास अभी तक कुल 14 चांदों की खोज की जा चुकी है। ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है और सोलर सिस्टम का 7वां सबसे बड़ा चांद है। और इतना ही नहीं, नेपच्यून के पास रिंग्स भी हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपच्यून के पास कुल 5 रिंग्स हैं। ये बहुत ही हल्के हैं और डार्क भी, जो रॉक एंड आइस से मिलकर बने हैं। इनमें से 3 रिंग्स तो काफी नए हैं, जो कुछ ही दशकों पहले बने हैं। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग नेपच्यून के ये रिंग्स परमानेंट नहीं है। हो सकता है कि नेपच्यून के ये रिंग्स गायब भी हो सकते हैं और भविष्य में नेपच्यून के पास कुछ नए रिंग्स भी आ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जितनी भी जानकारी दी है, वो सभी वॉयेजर 2 स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ही हम इंसानों को प्राप्त हुई थी, क्योंकि नेपच्यून के पास अभी तक एक ही अंतरिक्ष यान भेजा जा सका है, वो है वॉयेजर 2 स्पेस टेलीस्कोप, जो 1989 में नेपच्यून के करीब से गुजरा था। दोस्तों, भविष्य में भी नेपच्यून पे कई मिशन हो सकते हैं, इसकी बेहद अधिक संभावना है। आर्कोनम, यह एक ऐसा स्पेस मिशन होने वाला है जिसे नासा और स्पेस एक्स मिलकर लॉन्च करने वाले हैं, जो नेपच्यून और उसके सबसे बड़े चांद ट्राइटन की काफी महत्वपूर्ण जानकारी हम इंसानों को भेजेंगे। इस मिशन से हम नेपच्यून के उन रहस्यों के बारे में काफी अच्छे से जान पाएंगे, जिन्हें हम इंसान अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये थी थोड़ी बहुत जानकारी नेपच्यून के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए।